ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ तीन आदमी टोटल टेस्ट कराने सीएमसी वाले बोलते हैं एक बजे तक टेस्ट हो जाएगा मैं चार बंदे हैं मैम चार फॉर्म दे दो प्लीज अभी देखना ये कल दोबारा आएंगे तो छोटे और बड़े गवर्नमेंट साइकेट्री हॉस्पिटल रेशमगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं कोविड टेस्टिंग के लिए उनको कितनी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनको फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। ये है कि फॉर्म नहीं दे रहे, इतनी दूर से आए हैं प्लाईवाला से, दो बच्चे छोड़ के और पिताजी वह वो भी बीमार है, अभी फॉर्म ही नहीं मिल रहे। अभी लेट तो होना ही है, इतनी दूर बच्चों को छोड़ के आएंगे ना। आप अकेले आए हैं और भी कोई आए? पति आए हैं मेरे साथ। तो मतलब कितनी देर से आप यहाँ पहुँचे हुए? हम तो अभी सुबह चले थे 7 बजे, अभी 10-11 बजे से पहले पहुँचे, 10 मिनट पहले बोले नहीं बंद है। ये थोड़ी होता टाइम तो लिखना चाहिए ना बाहर। इधर कहते हैं जी 11 बजे तक हम टेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो मना कर रहे हैं। अगर कोई इनका सिफारशी बंदा आएगा तो उसको वो करवा देंगे, मगर बाकी बंदों को कोई फ्लाइंग वाला से आ रहा है, कोई बॉर्डर एरिया से आ रहा है। मैं तो इधर से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी को पैरालाइज का अटैक हुआ है, मैंने जम्मू से बाहर लेना है इनको सुबह, हैं इनको मैंने बोला भी है फिर भी ये कर नहीं रहे हैं। तो फिर क्या बताएं, क्या सिस्टम है, कोई सिस्टम? उनका क्या कहना क्या है? नहीं, 11 बजे के बाद करना ही नहीं है हमने, 8 से 11 बजे बस। ये क्या बात हुई? अगर कोई वाकफ आएगा तो उसका कर देंगे, जे हमारा नहीं करेंगे। बंद कह रहे हैं, फार्म बंद हो जाता है। अभी इनका कोई बंदा आएगा तो उसका वो करा देंगे बस। और इस वक्त